गुरदासपुर के पिंड फुलड़ा विच जमीनी विवाद नूं लै के चली गोली विच चार व्यक्तियां दी होई मौत। पिंड फुलड़ा दी सरपंच लवली देवी दे घर वाले सुखराज सिंह समेत तीन दी होई मौत। पीड़ित परिवार नाल दुख सांझा करन लई कांग्रेस पार्टी दे साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे पिंड फुलड़ा। कहा कि पंजाब सरकार बच्चों के हाथ आ चुकी है जिन्होंने कानून दियां तज्जियां उड़ा दित्तियां हन। सिद्धू ने कहा कि यह सरकार कब्जियां दी सरकार है जिथे दो बंदियां नूं दिन दिहाड़े करीब 50 बंदे हथियार लैस गोलियां मारदे ने ते पुलिस नाल होके मरवाउंदी है अते 24 घंटिया बाद भी मुजरम काबू तो बाहर हन। सिद्धू ने कहा कि जे जल्दी ही दोषियां नूं काबू नहीं किया गया तो असीं धरना लगा के रोस प्रदर्शन करांगे। ब्यूरो रिपोर्ट जन कल्याण टीवी। निशान सिंह दा परिवार देख लो, चार छोटियां कुड़ियां, एक निका जिहा मुंडा, आ वेखो ते घर वेख लो, पाले ढैण वाले है। हाँ जी, ये लॉ एंड ऑर्डर है पंजाब च, पुलिस आई है, 50 तो 60 बंदे नाल कब्जा कंपनी बनाती इन्होंने। अगे पिछली बारी उन्हें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी, इन्हें कब्जा कंपनी बनाती। पुलिस नाल खड़ी है, पिछे 2 किले पिछे पुलिस खड़ी है ते गोलियां 50-50 निकलियां ने। जड़े मारे ने 50-50 गोलियां एक एक बंदे दे विचों। तुसी सोच के वेखो इन्हां नूं कौन पालू है। इट इज़ अ बंच ऑफ एमेचर्स रनिंग दिस गवर्नमेंट। कोई अनुभव नहीं सरकारां किवें चलदियां ने। है जी, अराजकता का मतलब तुसी देखो तो सही, अराजकता का समाचार है चारे पासे। मैं क्या कबड्डी खिडारी की गल नाल सड़क के उत्ते फगवाड़े गोली चली है, मोगे चली है, कछुआने चली है, जलंधर चली है, लुधियाने बंदा मरिया, किन्ने चार टूरनामेंट वाले मारते, चार अज इत्थे मारते, तो की कसूर है इन्हां दा? वाही करन डए आपदी जमीन की। दो दो किलियां दे उत्ते कब्जा कराउण आए है, पुलिस नाल लैके आए है, तो इत्थों कहिंदे आ जी कि कांग्रेस के सरपंच ने गोली चलाती। वो 60 बंदे गोली चला रहे उहदे ते, वो की करूगा आपदे खेत दे विच? सैल्फ डिफेंस भी नहीं करू है। सर ये नया पंजाब की बात करते हैं, ये जड़ी ये जो कुछ हो रहा ना, ये जो कुछ हो रहा है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये जड़ी बदलाव वाली गल है ना, ये लोगों ने उतर जाना सारा कुछ, ये जड़े संताप भोग रहे हैं ना, इन्हां दी हावां नहीं मार देना। देखो लॉ एंड ऑर्डर किसी पार्टी का मोहताज नहीं हुंदा, लॉ एंड ऑर्डर सारे वास्ते हुंदा है। कानून व्यवस्था तो बड़ा फंडामेंटल राइट, मैं कल भी कोई नहीं है जिथे जान माल ही महफूज नहीं, उत्थे कादी सरकार है भाई, उत्थे की है? देयर इज नो गवर्नेंस, नथिंग कॉल्ड गवर्नेंस। 15 दिन नहीं होया जे, तो तुम दूजे पासे इत्थे जंगल राज कायम करी जाने, तो दूजे पासे तुम इलेक्शन जितन फिरदे हो हैं। 10 दिन करप्शन भी दूर करती, लॉ एंड ऑर्डर भी मेनटेनड है, सारा कुछ ही ठीक है, ये गल्लां नाल चल रही है सरकार। यार मैं कहना फोर्सां जिन्नियां मर्जी बना लो, गल्लां जमीन ते लाओ। ज्यादा मैं होश संभालिया है, मैं यह जी परिस्थिति देखी नहीं छोटे भाई, तू आ देखता सही, जमीन ते उतरो ना, अखबारों च पढ़ के कुछ होर लगता, लेकिन जो तो जमीन ते उतरो देखो ना कुछ होर ही है गल। बंदा ही नहीं है घर च कोई, तू दस मैनू चार कुड़ियां आ निका जहा जवाक मां ते घर वाली आ खड़े है, दस इन्हों कौन पालू है? उधर देख जाके मतलब यार मतभेद हो सकते हैं, तुहाडे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तुसी किसे दे गोली थोड़ा ना मार दोगे, कौन कॉम्पनसेट करू इनू, दे सकते हो इनू प्यो? मतलब हद होगी, अज तक कोई अरेस्ट नहीं किया, शाम नू राती 9 बजे का परचा दिता, और पुलिस नू पता होना चाहिए, इनफॉर्म करके आना चाहिए, पुलिस नाल खड़ी है, पुलिस की मौजूदगी वाकया हो रहा है। खास आदमी ने
है, दिस इज देयर फर्स्ट फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ। जे जिंदगी नहीं, जानमाल महफूज नहीं, तो किसी चीज का कोई मुल नहीं। Do you think it's a political killing deliberately they're trying Look, to target? What I'm saying is that first the culprits should be booked and behind bars. We'll see what happened after that. How do you see police facilitating the road? No, the police was with them. Brother, the police was with them, standing behind them. ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਪੁੱਛੋ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਇਟ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਐਲਸ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਇਟ। ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾਲ, ਦਸੂਆਂ ਆਏ ਬੰਦੇ, 53 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਬੰਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਨੇ ਹੋਣੇ, ਮਿਊਟ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ। Is this the change that people voted for you? Huh? This is the change that they voted for? Sir, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਦਸੂਏ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਮਾਰਿਆ, ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਜ਼ੁਰਤ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਰਤ ਬਗੈਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ? ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਵਰਕਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਟੀਵੀ।